जी वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं आरक्यू व्लॉग्स और आज हम आपके लिए लाए रोड तफरी शो। और आज का जो सवाल है वो बड़ा अहम है, दूसरी शादी के हवाले से हम लोगों से रिव्यू लेंगे, देखते हैं लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में दूसरी शादी को बनाया हुआ है मसला, तो आज देखते हैं कि कितना बड़ा मसला। आइए। A few minutes later. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। चाचा क्या नाम है आपका? बादशाह खान। बादशाह खान। बादशाह खान साहब ये बताएं दूसरी शादी के वाले से क्या ख्याल है? मेरे 12 बच्चे भाई हैं। 12 बच्चे मेरे भाई। 12 बच्चे हैं। हां मंगाई है गांव फाड़ दी हमने। गांव फाड़ दी? मंगाई बहुत है। अच्छा कमाई हो गई अब तो। ये बताएं शादी को कितने साल हो गए? 15 हो गए। 15 साल में इनकी फट गई। महंगाई बहुत है भाई, क्या करें? तो दूसरी शादी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे भाई, तबाही होगी भाई, इनसे नहीं हो पाएगा भाई। पहली बार में अच्छा एक बात बताएं, कभी आपने हमारी जो भाभी हैं उनको कभी ऐसे मजाक ही बोला है मैं दूसरी कर लूं? नहीं नहीं वो नहीं करो भाई, एक ही बोलते भाई बोलते एक ही बोलते तुम पूरा हो, एक ही ने पूरा कर दिया। 14 बच्चे हुए। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बहुत है, इनका हकीम करामत है भाई। दबा के खाई, आपने भी खानी है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जल्दी भाई ने। अच्छा ये अगरबत्ती का क्या करेंगे? मैं बेचता भाई। अच्छा बेचते हैं? अच्छा मैं ये समझे जिसकी शादी नहीं हो रही उसके लिए अगरबत्ती पढ़ के दे रहे हैं? अच्छा बड़ा बच्चे होंगे। अच्छा एक बात बताएं, जैसी हमारी जो पाकिस्तान में मर्द हैं बेचारे, मैं बेचारे कहूंगा, जैसी वो दूसरी शादी की बात करते हैं तो खवातीन असला तलवारें निकाल लेती, क्यों? कौन निकालता है? कौन निकालता भाई अब? अच्छा अब तो खुद खुलता काम हो रहा है भाई, मतलब पैसा फेंक तमाशा दे, जज्बा जरूर तो हिम्मत ना हार। टपा टप टपा टप टपा टप, मालूम ना सब है, काम टाइट होना चाहिए और पैसा टाइट होना चाहिए। हाँ जी है ये। भाई दूध दूध जलेबी खानी चाहिए ताकि सही लगे, है ना? आप कमेंट में बताइएगा जो ये हल बता रहे हैं दूध छुआरे ये हल है कि नहीं है? गर्मी में तो छुआरे बहुत गर्म होते हैं, खा तो मजा आ जाएगा, आराम ले लेंगे। क्या नाम है भाई साहब? जलील खान। जलील खान साहब आपका नाम? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद आप लोग दोस्त हैं या भाई हैं? दोस्त हैं। दोस्त हैं। आप दोनों के लिए एक सवाल है, ये दूसरी शादी के हवाले से क्या ख्याल है? भाई हम तो अभी तक पहले भी नहीं किए भाई, अभी से हाल करवा रहे हैं। तुमसे ना हो पाएगा भाई से पूछो पहले। चलो पहले भाई से पूछते हैं, आपकी शादी हुई है? जी भाई। कितने साल हो गए? मेरा तकरीबन 2010 में हुआ। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल हो गए हैं। दूसरी शादी के हवाले से क्या ख्याल है? 24 साल हो गए। 14 हुआ। 14 हो गए। चलो जा पूछ क्या दूसरी शादी के वाले से क्या ख्याल है? दूसरे शादी पहले तो मैं बीमार था 3-4 साल। अच्छा अभी तो 100% इरादा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जो हमारी भाभी अल्लाह उनको सेहत दे, उनसे कभी मजाक में पूछा आपने कि मैं दूसरी कर रहा हूँ कर लूँ? वो तो तलवार निकाल रहा है उसे क्लाशन कोफ लगा दिया। भले रैकेट लगा हुए क्लाशन लगा हुए, लेकिन आपने बोला कि मजहब में चार है, हम चार करेगा, हम करेगा इंशाल्लाह, दूसरे इंशाल्लाह बस हम ठीक हो जाए। नहीं नहीं इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इरादा है, खान साहब का पूरा इरादा है भाई। A few minutes later. दूसरी शादी के हवाले से क्या ख्याल है आपको? भाई मेरा तो ख्याल ये है ये कर लेनी चाहिए, अगर आपके पास गुंजाइश है तो। गुंजाइश है तो कर लेनी चाहिए। आप मैरिड हैं? अल्लाह का शुक्र है। कितने साल हो गए? माशाल्लाह 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। आपने हमारी भाभी से कभी पूछा कि मैं दूसरी कर लूं क्या? कारण नहीं पूछेंगे क्यों, बस कर लेंगे। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या बात है, ये इनके लिए लाजमी कमिट करके बताएं, ये चाहिए हमें। अच्छा एक बात बताएं, आपने ये अपने इर्द गिर्द सुना भी होगा, जैसी मर्द दूसरी शादी की बात करते हैं ना तो बीवी बंदूक निकाल के खड़ी हो जाती है, वो खुद करवाना चाह रही है कि जल्दी से कर लो। ये तो फिर जन्नती भाभी है ना हमारी, डायरेक्ट जन्नत में जाएंगी। वो खुद करवाना चाह रही है कि आप दूसरी कर लो ताकि आराम करूंगी वो काम करेगी। अच्छा ऐसा ही है तो इन मतलब हमारी भाभी की ये सोच नहीं कि सोतन आएगी? नहीं 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 ऐसा कोई नहीं, मतलब बहन बना के रखेंगी। हाँ ये आराम करेंगी वो काम करेंगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास। भाई हमारी भाभी के लाजमी कमेंट करें, क्योंकि ये पहली खातून है पूरे कराची में जिनकी सोच ही अलग है।
और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह पाक से दुआ है कि और शादी हो जाए। वैसे मैंने देख रखी है लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। अम्मी पसंद नहीं है दूसरी मम्मा इसको पसंद नहीं है मेरी बेटी को। नहीं नहीं, बच्चों की पसंद से आएगी। बच्चों आप क्या कहोगे? बाबा कह रहे हैं दूसरी अम्मी लाऊंगा। नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। आपको पहली मम्मा ही अच्छी लगती है? हाँ, ये जो मेरे पापा ने शादी करी है ना, यही काफी है भाई, यही काफी है। दूसरी शादी के हवाले से क्या ख्याल है? सर एक नहीं हो रही, आप दूसरी शादी लेके घूम रहे हो यार। यार आपकी शादी क्यों नहीं हो रही? हकीम हकीम को दिखाओ आप, गजब बेइज्जती है। दूसरी शादी के हवाले से क्या ख्याल है आपका? दूसरी शादी के हवाले में ख्याल है भाई, चार करनी चाहिए। हाँ, एक काम में एक अच्छे आदमी में एक औरत का हक नहीं है। अच्छा, हाँ ये हदीसे पाक है, वो सारों का हक है। चार औरतों का। अच्छा, ये हमें इन्हीं चीजों में हदीसे याद आती है? नहीं, दूसरी चीजों में भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा थोड़ी मुसलमान है। क्या कहेंगे भाई, भाई तो चार शादियों के रहे आपके दोस्त हैं। जान मेरे तो हालात से तंग हूं, वरना मैं तुम्हें चार का शौकीन हूं। बहुत तेज हो रहे हैं। अच्छा, मतलब जज्बा पूरा है? जज्बा हकीम के बाकी, हकीम ने बेटी का रिश्ता दे दिया। पैसों का तंग था, हकीम ने दे दिया। हकीम ने, कमाल हो गया यार, गुड हो गया। मतलब फैन है हकीम भी? हकीम की बेटी भी फैन हो गई है अब तो। कमाल हो गया, नंबर नहीं लिया क्योंकि। अच्छा, एक बात बताओ, एक और सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तानी मर्द है बेचारा या लड़के हैं, वो जैसे दूसरी शादी की बात करते हैं हमारी खवातीन तलवारें निकाल के कुर्तुल उस्मान बन जाती है। एक ही तलवार पसंद है ज्यादा, नहीं तलवारें पसंद है उनको, मसला नहीं। ये क्यों ऐसा है हमारे पाकिस्तान में? ऐसा खास पाकिस्तान में ऐसे हाल है कि मर्द पे चार शादियां फर्ज है, हां जायज है, कर सकते हैं। मैं तो एक साथ चार करूंगा कि शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, पहली को मौका ही ना मिले। ये एक साथ चार करेंगे? हां भाई, हालात एक नहीं हो रही, ये एक साथ चार करेंगे। हालात से तंग है, सही मंडक में चल आग लगा देगा भाई हमारा। चार मौलवियों क्या कहेंगे भाई, एक साथ चार के मूड में? भाई मेरा भाई ये कर सकता है यार, कर सकता है। उसका हकीम बेटी दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, हकीम को ट्रेलर दिखा के आया होगा ये। रिमिक्स आइटम है ये। आप क्या कहेंगे, जो पाकिस्तानी बेचारा मर्द है, जैसी ये शादी की बात करता है तो हमारी जो खवातीन है तलवारें गन्ने सब निकाल लेती है, क्या वजह? वो वजह ये है कि वो औरत यही चाहती है कि एक मर्द के ऊपर, जो घर का जो मर्द होता है ना, उसके ऊपर मेरे ही हक हो, मैं दबा के रखूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया भाई कोई दूसरा। और ये मेरे ही मुरीद रहे, मेरा ही मुरीद रहे भाई, क्योंकि यहाँ पे तो हम मशहूर है पाकिस्तान में रन मुरीद के नाम से। रन मुरीद भाई, हकीम साहब अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा ये दामाद आपको पसंद है तो आप जरूर रिश्ता दें उनकी बेटी। और अगर दो बेटी हैं तो एक इनको भी दे दें, इनको कोई नहीं दे रहा। मेहरबानी होगी यार, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरी शादी के हवाले से क्या ख्याल है यार? इधर पहली नहीं हो रही, तुम दूसरी पे जा रहे हो यार। इनकी पहली नहीं, उनकी पहली तो करवाओ, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगी। वहाँ भी हम ताबीज आपको देंगे, हो जाएगी। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये बताएं, वो तो अल्लाह करे आपकी टाइम से हो जाए, लेकिन दूसरी के हवाले से अल्लाह करे अभी जल्दी इसी साल हो जाए, मतलब हमारी तो दुआ है भाई, इनके लिए दुआ करें, कमेंट्स में लाजमी करें करें। मतलब दिल तो बच्चा है, उमंग है दिल में दूसरी शादी, दूसरी की क्या चार की उम्मीद है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा, इंशाल्लाह चार की है, मगर हालात के मुताबिक भी देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। और हालात से बड़ी तो वो होगी जो पहली आएगी, डेंजर। बताएं पाकिस्तान में जैसी जो बेचारा मर्द है वो जैसी दूसरी शादी की बात करता है, बीवी पिस्टल निकाल के क्यों रख देती है? नहीं मैं गोली मार दूंगी यार, ये वैसे गलत है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता, जाती है ना मर्दों के साथ, बहुत जाती है मर्दों के साथ, बहुत जाती है। ये जो औरतें ना नाजायज लगा के बैठी है मेरे हिसाब से, इस्लाम में जब जायज है, जब जायज है यार। देखो एक बात मुझे इतनी सी बताओ कि माशाल्लाह लेडीज का तवाकुन ज्यादा है मर्दों से। हाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? 40 कब्रों के बाद एक कब्र होती है लेडीज की, मरती भी नहीं है ना, जान छोड़े। नहीं ऐसा भी नहीं, नहीं मरती नहीं, मर्द पहले चला जाता है, फौरन ही टेंशन देती है कि अटैक हो जाता है। फिर अब ना खुद जाती है ना दूसरा करने दे रही है, तो बंदा क्या करे? अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। आपके लिए एक सवाल लाया हम, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आजकल बड़ा ही परेशानी बनी भी हमारे लिए, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ी परेशानी थी, मैंने सोचा आज मैं अपने भाइयों से पूछता हूँ। दूसरी शादी के हवाले से क्या ख्याल है? दूसरी शादी करनी चाहिए इंसान को, करनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। आप मैरिड हैं? हाँ। कितने साल हो गए शादी? माशाल्लाह 11 साल। हमारी भाभी को कभी आपने बोला कि मैं दूसरी कर रहा हूँ? हाँ। उन्होंने गन नहीं निकाली आपके सर पर? नहीं नहीं, हिम्मत है तो कर लो, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं, बर्दाश्त कर सकते हो दूसरी? अच्छा,
मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप में अफोर्ड कर सकते हो और पैसा है, कर सकते हो तो कर लो। नहीं, एक तो अफोर्ड होता है ना, और एक तो हेल्थ भी तो सही होनी चाहिए ना। हेल्थ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये बताएं, जैसी शादी की बात होती है घरों में या इर्द गिर्द, तो हमारी खवातीन बिगड़ जाती हैं, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा क्यों है भाई? राइट बनता है ना भाई, लेकिन इस्लाम में तो चार, इस्लाम में तो चार है ना, तो पहले एक कर लो पूरा करो। अच्छा, हमको सिखा रही करो, चार बातें में करो, ये भी है। अच्छा एक बात है, जैसे इस्लाम की बात करी, भाई ने फौरन बोल दिया चार है, आपको दिल में है दूसरी करने का? मौका मिला और अच्छी मिली तो जरूरी है, जरूरी है। जैसा कि आपने सुना हमारे भाई को, इन्होंने तो जो कहा आपने दिल की बात कह दी, आप क्या कहेंगे? मैरिड है आप? कितने साल हो गए? 22। आप क्या कहेंगे दूसरी शादी के हवाले से? आपकी क्या दिल की आवाज है? ये दिल का दर्द हर मर्द का है, आप क्या कहेंगे, खुल के कहें? सर इस महंगाई में तो एक ही चला लो बहुत है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इस महंगाई में एक ही चला लो तो बहुत है, ये कह रहे हैं। अगर अल्लाह आपको वसाइल दे दे, आपका कोई बोनस लग जाए या कोई लकी ड्रॉ खुल जाए सुबह ही सुबह, घर के मामला अच्छे चल रहे तो फिर दूसरी करने जरूरी नहीं है। मतलब अंदर से भाई भी दिल है पूरा। वैसे कभी मामला अच्छे चलने चाहिए, दोनों किस्म के, मेडिकल वाले भी और पैसे वाले भी। दूसरी बात, एक बड़ा अहम सवाल है, जैसी शादी की बात होती है दूसरी शादी की, हमारी खवातीन बड़ा गुस्सा हो जाती है। हमारे कराची शहर में कल्चर नहीं है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान में, कराची में, खैबर पख्तून जाओ वहाँ तो चार चार है। वो तो हमारे पठान भाइयों के हकीम बहुत पावरफुल है ना। हमारे हकीम भी दो नंबर है तो क्या करें। कराची शहर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। अच्छा, कभी आपने ऐसे मजाक में हमारी भाभी को कहा कि मैं दूसरी कर लूं? तो कहते हैं कर लो कर लो, मतलब फुल इजाजत है। फुल इजाजत है। लाइसेंस आपको भी मिला हुआ, इनको भी मिला हुआ है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? उमेर भाई, आपके दोस्त जो फरमा रहे हैं, आपकी क्या राय दूसरी शादी में? मैं कहता हूँ एक हो, नेक हो। यार ये पुरानी सोच है ना, 90s वाली है। देखो इस्लाम में चार कर सकते हो ना। नहीं है जायज। आप बात ये है कि अगर आप एक से खुश हो तो क्या जरूरत है दूसरी को लाके अपने घर को। फिर जो हमारे बड़ों ने की उनके ऊपर सवाल निशान है, अपनी जगह राइट है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो कहने का मकसद ये है कि अगर हम दूसरी की तरफ करने जाते हैं तो औरत को औरत बर्दाश्त देंगे। नंबर एक, आप किस क्या वजह है, क्यों बर्दाश्त नहीं है? हमारी पाकिस्तान में जैसी शादी की बात करते हैं, खवातीन पिस्टल क्यों निकाल लेती हैं? अब वही वाली बात है कि मैं इस पे आपको क्या राय दूं कि आप अपने दिल की बात कर दो। औरत ही औरत की दुश्मन है। मैं नहीं मानता। ये बोरिंग आदमी है यार आपका दोस्त, ये तो दूसरी में एक हो गए, काफी नहीं। ये मुरीद तो नहीं है? वही है, मुझे लग रहा है 100% ये बोल रहे हैं। ये कर ही नहीं सकता, वरना इसका पिस्टल काट देगी। मेरे को तो मुरीद लग रहे हैं भाई। भाई ये कहते हैं सच्चा प्यार नहीं मिला, मैंने बोला भाई तू चक्कर ट्राई कर। हाँ, चेंज, तब्दीली आनी चाहिए। खान साहब भी कहते हैं तब्दीली आनी चाहिए। A few minutes later. लग रहे हैं दोस्त हैं सारे। जी बिल्कुल। अच्छा हम सवाल ये कर रहे हैं आज अपनी ऑडियंस के लिए, दूसरी शादी के हवाले से क्या ख्याल है? दूसरी शादी माशाल्लाह इसकी हुई भी है। इसकी शादी शुदा है, मैरिड? दूसरी भी हुई, दूसरी छुपके करी हुई है। दूसरी शादी में बस एक से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए दूसरी। दूसरी करनी चाहिए, इजाजत से या बगैर इजाजत के? इजाजत अगर देती है तो सही, ठीक है, नहीं देती तो फिर भी करो। कंट्रोल कंट्रोल, मतलब पैसा होना चाहिए, कर लो आप। ख्याल सब कुछ पैसा है आजकल। ये आपके दोस्त हैं माशाल्लाह, दोनों बेगम हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं मेरी नहीं हुई अभी, हुई नहीं है। क्या वजह अभी तक शादी? बस सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बैचलर लाइफ। बाकी तो सब सही है ना भाई, सही है ना हकीम? हकीम समझ रहे हो, समझ रहे हो? नहीं नहीं वो तो सब सही है। अच्छा आपकी वैसे राय क्या दूसरी शादी? आपके दोस्त ने दो की है, आप क्या कहेंगे? आपके सामने की होगी, आप साथ भी होंगे, आपकी क्या राय दूसरी शादी के वाले से? जिंदगी कुत्तों वाली हो गई है बस। भाई की झंड हो गई अभी, अभी मोबाइल लेके बैठे हुए यार। वो तो लाजमी बात है, मुरीद है ना, तो रिपोर्ट तो देनी है पीर साहब को। अभी तीसरी करने की कोशिश में। तीसरी करने जा रहे हो? बस तीसरी है, दो बोध दो बोध है, नहीं कर लेगा। अब आप इनकी करवा दो। हमने की कोशिश करी लेकिन रिश्ते वाले को दिखाया और रिश्ते वाले बोले डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाओ? इसी को दिखाया, इसको पहले दिखाया तभी ये काबिल हुआ। दूसरी शादी के हवाले से क्या कहेंगे? दूसरी शादी यार इस महंगाई में पहली हो जाए बहुत है। आप ऐसे मैरिड हैं? जी मैरिड हो। मैरिड हो, ये बताना चाहोगे कि क्यों मुश्किल किया भाई? क्यों बोलते हैं कि नहीं दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए? यार दूसरी में फिर मसले बहुत हो जाते हैं। क्या मसले होते हैं? जैसे कि जैसे फिर दो होते हैं तो
दोनों एक दूसरे के साथ लड़ती झगड़ती रहती है। और हमारी जो खवातीन है खास तौर पे, वो तो मतलब ये सुननी नहीं चाहती ना, बिल्कुल इस हवाले से क्या कहेंगे। कबूल नहीं, बार बार अभी आपने हमारी भाभी को कहा है कि दूसरी करें? नहीं भाई, मार नहीं खाना है। फायर मारेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट फायर। ए फ्यू मिनट्स लेटर, दूसरी शादी के हवाले से क्या ख्याल आते हैं आपके? करनी तो नहीं चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। नहीं, आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं करनी चाहिए, चार भी करनी चाहिए। चार तो अलग, वो तो भाई इस्लाम में ना। नहीं तो वो तो भाई इसलिए कह रहे हैं कि उनकी आवाज ही निकलेगी, पता है ये वीडियो अगर चल गई, ये मुरीद है क्या? ये वीडियो अगर कहीं चल गई हाँ, तो जो एक उससे भी जाएगा। नहीं नहीं, ये यार ये देखें, ये गलत है, मेरा यही सवाल था, ये मसला है उसका। जैसी जैसी हम बेचारे मर्द में अल्फाज यूज कर रहा हूँ, जैसी दूसरी शादी की बात करते हैं क्लाशें निकल आती हैं। ये क्यों निकल आती है, क्या वजह है भाई? जब चार कर सकते हैं इस्लाम में तो क्यों हमारे बड़ों ने नहीं की? तो आप क्या कहेंगे? आप करनी ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ क्लाशें निकल रहे हैं या नहीं निकलती ना? क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं करनी चाहिए, आप कह रहे हैं इस हक में नहीं, आप इस हक में नहीं है, क्या वजह? क्या एक पॉइंट बता दो यार, ये वजह है, जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं जब मैं पहले से अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है राजी हूँ सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर जरूरत ही नहीं? बिल्कुल। कभी ऐसा कोई मजाकतन भी आपने नहीं बोला? सवाल ही पता नहीं होता भाई, इन्होंने तो कर्फ्यू लगाया हुआ शादी के हवाले से। गजब बेइज्जती है, क्या कहेंगे? आपके दोस्त हैं बचपन, मुझे पता है वो मना करेगा। आपको पहले पता है, इतना सोच के एतजाज आपने हमारी भाभी से कभी मजाक में कह दिया हो? हां बोला। क्या कहा उन्होंने? तुम ही करवा दो, सच्ची जवाब तुम ही करवा दो, हैं तुम ही कोई करवा दो दूसरी। अच्छा, इजाजत है? मैंने बोला इजाजत है, मैंने तो बोला हुआ ना। अच्छा, छूट मिली हुई है, कमाल है भाई, इनको छूट मिली हुई है, इजाजत मिली हुई है, बहुत अच्छी बात है ना। हम भी जाएंगे दावत में, आपको भी दावत देंगे, आप लोग भी आइएगा। आप क्यों नहीं करना चाह रहे? मुझे इजाजत भी नहीं है और मेरा शौक भी नहीं है, जलवा है हमारा, इनको इजाजत नहीं। आपकी बात सही थी, इनको इजाजत ही नहीं है। जैसा कि आज आपने देखा, आज हमने आपको रिव्यू दिया दूसरी शादी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में लाचार मर्द हैं बेचारे, जैसी दूसरी शादी की बात करते हैं हमारी खवातीन कुरतुल उस्मान बन जाती हैं। आपने देखा ही है, लोगों के दिलों के रो रो के बुरा हाल कर दिया मर्दों ने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है मेरी तो शादी नहीं हुई। तो आज की जो भी बातें थी वो आपने सुनी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आई हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।